जिसने मन का दीप जलाया, दुनिया को उसने ही उजला पाया। तो जीवन की राह प्रकाशमान हो, उज्जवल हो, इसके लिए मन के दीप जलाते रहें, साल में एक दिन नहीं हर दिन। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर भोर सुहानी के साथ एक बार फिर मैं रेखा पाठक, सुप्रभात। दिवाली की साफ सफाई हम लगभग कर चुके हैं। पुरानी और बेकार पड़ी चीजों को छांट कर हटाना वाकई कितना मुश्किल काम है ना? ये ठीक है कि हम अपनी यादगार चीजें संभाल कर रखना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी कितनी ही चीजें साल दर साल संभाल कर रखते जाते हैं कि आखिर कभी काम तो आ ही जाएगी। काम तो वो आती नहीं, और कभी जरूरत पड़े भी तो वो इतना संभाल कर रखा होता है कि बस वो चीजें समय पे मिलती नहीं है। तो ऐसी चीजें छांट कर हटाना ही बेहतर है ना, इससे बाकी चीजें भी व्यवस्थित हो जाती हैं। कहते हैं ना कि अतीत के कुछ सामान जब आप हटाएंगे तभी वर्तमान की खुशियों के लिए जगह बन पाएगी। Thank you.
ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। हसीन है ये घर बहुत हसीन है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं
भोर सुहानी। मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे थे। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।
अब वो दिवाली नहीं आती जब माँ घर की सफाई में हमारी खोई हुई गेंद ढूंढ देती थी। वाकई बचपन में छोटी छोटी बातों में खुश हो जाना हम जीवन भर ढूंढते हैं। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। चिंता मस्ती का आलम जीवन खेल सा लगता है, जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है कि बचपन हर गम से, ओ बचपन हर गम से बेगाना होता है, होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं, वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। वो यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है, होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है, होता है बचपन हर गम से बेगाना। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।
हमारे तीज त्योहार जीवन में एक नया और कुछ अलग सा रंग भर देते हैं। वैसे खुश होने के लिए तो बस एक बहाना चाहिए होता है, हमें खुश होना आना चाहिए। सुनो एक बात सुनाओ, ओए सुनो रे सुनो एक बात सुनाओ। झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है या सच है ये तुम जानो। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा।
निहारी से पूछ ले दुनिया सारी से। चले पतंगा लेकिन खेले बैरागी चिंगारी से। खेल के देखो मैं जो बोलूं कर दिखलाऊं। मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागी नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा, मैं बैरागन नाचूंगा। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। जो गिरा किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर। वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किस हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से। कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। Thank you.
तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले, काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो, लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती कभी कभी इस फिराक से, कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से, कितने अनजान लोग मिल जाते हैं इनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आकाशवाणी के प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष प्रख्यात वैज्ञानिक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ अपना वक्तव्य देंगे। विषय है इंडिया स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर्स। 26 अक्टूबर शाम 4 बजे आकाशवाणी परिसर स्थित रंग भवन सभागार संसद मार्ग में आप सादर आमंत्रित हैं। इन दिनों बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है, समझ ही नहीं पा रहे कि क्या खरीदें और क्या छोड़ें। तो अपनी खरीदारी में ये जरूर ध्यान रखें कि पटरियों पर बिछाए मिट्टी के दिए और हाथों से बनाए गए सजावटी सामान ज्यादा शामिल करें और अपने शिल्पकारों की उम्मीदों के दिए को उनकी दिवाली को भी रोशन करें। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सह कर सितम के तीर भी पहन कर रक्स किया जाता है, आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आप बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, दिल पे सह कर सितम के तीर भी पहन कर रक्स किया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है।
से खामोश है जो कैसा बेपीर है वो, हाँ वो इंसान नहीं एक तस्वीर है वो। तो पास आए खुदा जिससे डरता है अपन, और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान लाख सही गुल नहीं खाक सही, जिंदगी है लाजवाब ये वो बेवा है जनाब। खूबसूरत है जो दुल्हन से भी, दोस्त तो दोस्त है दुश्मन से भी, प्यार किया जाता है। हाँ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। इस गम से बड़ी इस जमाने में नहीं, जो मजारों में है मुस्कुराने में नहीं। इसलिए तो भाई रू की सूखी जो मिले पेट भरने के लिए, और काफी दो गज है जमीन जीने मरने के लिए। कैसे नादान है वो गम से अनजान है जो, रंज ना होता अगर क्या खुशी की थी कदर। दर्द खुद है मसीहा दोस्त तो, दर्द से भी दवा का दोस्त तो, काम लिया जाता है। शाबाश दोस्त, हाँ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है, हाँ बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। बनाकर दिए मिट्टी के जरा सी आस पाला है, मेरी मेहनत खरीदो लोगों, मेरे घर भी दिवाली है। तो हमारे मेहनतकश, हमारे शिल्पकार, हमारे कुम्हार
लोग जो बाजारों में पटरियों पर अपने सामान बिछाए बैठे हैं, उनकी आवाज आप तक पहुंचनी जरूरी है। अगर पहुंची और तो बस आप उनका ख्याल रखेंगे और थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करिए। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ भोर सुहानी को लिए रेखा पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम। वंदे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी सुवासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। वंदे मातरम्, वंदे मातरम्। आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। Thank you.
आ